press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अलवर के कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर सनातन युवा शक्ति संगठन की ओर से तिरंगा रैली निकाली गई। रैली से पूर्व संगठन के कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद वंदे मातरम के जय घोष के साथ रैली निकाली गई। रैली शहीद स्मारक से शुरू होकर नगली सर्किल और बिजली घर चौराहा होते हुए भगत सिंह सर्किल पहुंची। यहाँ शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। रैली संयोजक और संगठन के संयोजक विजय यादव ने बताया कि रैली के माध्यम से सैकड़ों युवाओं ने उत्तर प्रदेश के कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान शहीद हुए चंदन गुप्ता को श्रद्धांजलि दी। शहीद स्मारक से हमने ये सिंथेटिक रैली चालू की है, भगत सिंह सर्किल पर श्रद्धांजलि दी है और हम चंदन गुप्ता को भी, श्री चंदन गुप्ता को श्रद्धांजलि देते हैं इस सिंथेटिक रैली के द्वारा और युवाओं को जागृत करते हैं कि आज के दिन शहीद भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी तो वैलेंटाइन डे न मनाकर आज के दिन शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाए। उधर यह भी चर्चा रही कि रैली के संदर्भ में 3 दिन पहले प्रशासन को पत्र सौंपा गया था लेकिन प्रशासन ने रैली के संदर्भ में कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि कुछ पदाधिकारियों ने इस बात को गलत ठहराया। उधर संगठन से जुड़े जितेंद्र राठौड़ का कहना था कि 14 फरवरी को शहीद भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी, इसलिए आज वैलेंटाइन डे नहीं मनाया गया। सनातन युवा शक्ति के वो अध्यक्ष हैं विजय यादव, उनकी ओर से देशभक्ति को लेकर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था। शांतिपूर्वक उन्होंने शहीद स्मारक से लेकर भगत सिंह सर्किल तक उनको माल्यार्पण करके अपना जो भी है देशभक्ति के प्रति जज्बा दिखाया गया।